यह है बाकरपुर चौक और पूर्व में हमने ये स्थिति देखी है, जब जल वृद्धि गंगा में जारी था तो जल का स्तर करीब करीब सड़क के किनारे आ चुका था, परंतु अब स्थिति में बदलाव हुआ है और जितना तेज़ी से ये जल आया था उतना ही तेज़ी से वापस गया है। तो देखें फिर इसी बाकरपुर चौक से कि अब मौजूदा हालात क्या बनी है इस नदी की, जिसका जल स्तर बिल्कुल सड़क के करीब पहुंच चुका था। देखिए बिल्कुल देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब गड्ढे में पानी मौजूद है और वो भी छिछला, लेकिन छिछला पानी नहीं है, गहराई है, परंतु देखने में बिल्कुल पानी साधारण वर्षा के पानी जैसा दिखता, पर देख लें बाढ़ ने सड़क को पहुंचाया है नुकसान और किस तरीके से जब जलस्तर में वृद्धि हुई थी तब सड़क प्रभावित हुआ है और यहाँ पर मिट्टीकरण की ज़रूरत है, वरना कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ अभी बाढ़ का समय गया नहीं है, हालांकि माह सितंबर चल रहा है और बाढ़ का समय है, परंतु जो स्थिति दिख रही है उसमें कहीं भी दूर दूर तक अब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के आसार नहीं है। हाँ जल वृद्धि कभी कभार सितंबर के अंत तक होती रही है और इस बार भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिलहाल कोई भी ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी। फिलहाल बाढ़ जा चुका है, तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।